नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को अमेरिकी राजदूत के मणिपुर पर दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी के बयान को लेकर कहा कि जहां तक अमेरिका के राजदूत की ये चिंता है कि देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, पर भारत ने कभी भी अपने आंतरिक मामलों में इस तरह के बयानों को नहीं सराहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अमेरिकी राजदूत ने भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी की हो। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर में जारी हिंसा पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, यह हिंसा मानवीय चिंता का विषय है और अमेरिका इसमें मदद करने के लिए तैयार है। इस पर तिवारी ने अपनी आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जितना मुझे याद है पिछले 4 दशकों में किसी अमेरिकी राजदूत ने भारत के आंतरिक मामलों पर इस तरह का बयान नहीं दिया है। हमारे सामने पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में चुनौतियां आई हैं जिनका हमने समझदारी के साथ सामना किया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारत ने अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के बयान की सराहना नहीं की है। ऐसे बयानों को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से ही देखा गया है। अमेरिका में गोलीबारी होती है, इस पर हमने अमेरिका से कभी ये नहीं कहा कि हमसे सीख लीजिए कि उस पर किस तरह नियंत्रण किया जाए, वो भी तो एक मानवीय त्रासदी है। त्रिपुरा विधानसभा के पहले ही दिन आज सदन में बीजेपी और टिपरा मोथा के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल टिपरा मोथा के विधायक अनिमेश देव वर्मा ने भाजपा विधायक जादव लाल नाथ के विधानसभा में पौन देखने का मुद्दा उठाया। वो चाहते थे कि इस मुद्दे पर सदन में बात हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए कुछ अन्य मुद्दे उठाए। इस पर टिपरा मोथा पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सेन ने बजट कार्यवाही के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए CPIM विधायक नैन सरकार, कांग्रेस के सुदीप राय बर्मन और 3 टिपरा मोथा विधायकों को सदन से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। दरअसल इस साल मार्च में आयोजित हुए विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक नाथ सदन के अंदर अपने मोबाइल पर कथित तौर पर पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल टिपरा मोथा के नेता अनिमेश देव वर्मा ने बीजेपी विधायक के ऐसे दुराचार पर सदन में चर्चा करने की मांग उठाई थी। 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने कई राज्यों के लिए अपने प्रभारी का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रभारी नियुक्त किया है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का नेतृत्व और समन्वय करेंगे। छत्तीसगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर प्रभारी होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया राज्य चुनाव की तैयारियों में उनकी सहायता करेंगे। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी होंगे, जबकि मंत्रिमंडलीय सहयोगी अश्विनी वैष्णव उनकी सहायता करेंगे। इसी तरह दक्षिणी तेलंगाना में, जहां पार्टी वैकल्पिक ताकत बनने के लिए बेताब है, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर प्रभारी होंगे, जबकि पार्टी महासचिव सुनील बंसल चुनाव तैयारियों के लिए सह प्रभारी होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर में गीता प्रेस के 70वें वर्ष समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने कहा, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। मानव मूल्यों को बचाने के लिए गीता प्रेस जैसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम और काम में भी गीता है। जहाँ गीता है वहाँ साक्षात कृष्ण भी हैं। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब ऐसे संस्थान बनते हैं। उन्होंने कहा कि 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहाँ जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य ही है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की स्वर्ण शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस भारत को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। मुझे बताया गया है कि गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन ना छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के सुझाव का 100% पालन कर रही है। शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने तलब किया है। एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद ब्रजभूषण को समन जारी किया है। उन्हें 18 जुलाई को
कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है। बता दें 21 अप्रैल को एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। शिवसेना यूबीटी पार्टी की पूर्व नेता और विधान परिषद सदस्य नीलम गोरे शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष गोरे, मनीषा कायंदे और विप्लव बजारिया के बाद पाला बदलने वाली शिवसेना यूबीटी के तीसरे एमएलसी बने हैं। यह खबर ऐसे दिन आई है जब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के करीब 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास वो आ रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हमसे संपर्क किया है। अभी भी 4 विधायकों ने मुझे फ़ोन किया है, 18 विधायकों ने संपर्क किया है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं, निर्णय केवल उद्धव ठाकरे ही ले सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी के खिलाफ मानहानी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही इसने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में सर्त अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका में उनके दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले मई में अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। बता दें राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में सूरत की अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी है। ये फैसला पूरी तरह से वाजिब है। राहुल गांधी पर यह केस साल 2019 में दिए बयान के कारण दर्ज हुआ था। इस मामले में गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज किया था और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर सांसद पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राहुल गांधी को लेकर मोदी सरनेम की टिप्पणी पर आए फैसले के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का मामला था। उन्होंने कहा ये शिकायतें बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने कहा इस सरकार का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना है, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस अहंकारी सत्ता को अंत में कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण किया जाए, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी जी पर आए कोर्ट के फैसले में मानहानि कानून को जघन्य अपराध बताया गया है, जैसे ये देश के खिलाफ अपराध है। सिंघवी ने कहा प्रतिशोध की राजनीति के जरिए लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, लेकिन राहुल गांधी कभी डरे नहीं है। वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। न्यायतंत्र पर भरोसा है, अहंकारी सत्ता को करारा जवाब मिलेगा। राहुल गांधी के एक दो वाक्य को सबसे जघन्य अपराध बता दिया गया है, ये गलती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करेगा। सिंघवी ने कहा 66 दिन बाद फैसला आया है और फैसले की कॉपी 10 मिनट बाद जारी हुई है। उन्होंने कहा पूर्णेश मोदी की मानहानि कैसे हुई इसका जवाब नहीं मिला है। राहुल गांधी के भाषण में द्वेष कहाँ है ये भी साबित नहीं होता है। इसका भी जवाब नहीं मिला है कि याचिकाकर्ता को नुकसान क्या हुआ। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया, साथ ही कहा यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है। राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाने वाले गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में हुई जनसभा में मोदी समाज का अपमान किया था। 2019 में हमने सूरत कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसी के चलते वकीलों की बहस के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। पूर्णेश मोदी बोले इस फैसले से नाराज होकर राहुल गांधी हाईकोर्ट गए। अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे हम स्वीकार करते हैं।
राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए। पूर्ण मोदी ने कहा, कोर्ट का जो फैसला आया है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए, यही सच्चे अर्थों में सत्यमेव जयते है। शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट से राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के बाद प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर रोष जताते हुए ट्विटर पर लिखा है कि अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठें, अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठें। प्रियंका गांधी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो की पंक्तियां लिखकर अपने रोष का इजहार किया है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है, इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों व अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर वो डटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के दौरे पर एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस को राज्य के विकास के रास्ते में खड़ा पंजा करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। यह कांग्रेस का पंजा है जो आपसे आपका अधिकार छीन रहा है। इस पंजे ने तय कर लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूटेगा और बर्बाद कर देगा। छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। मोदी किसी हाल में पीछे नहीं हटेगा। जिनके दामन में दाग है वो साथ आ रहे हैं। वो मेरी कब्र खोदने की धमकी देते हैं। गरीब का बेटा किसी हाल में पीछे नहीं हटेगा। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलबो बदलबो की गूंज है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। We'll be right back.